और दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार चुके हैं। हरसूद से बीजेपी प्रत्याशी विजय शाह चुनाव जीत चुके हैं। हरसूद खंडवा जिले की विधानसभा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 6179 वोटों से हारे हैं और बैतूल से बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल चुनाव जीत चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, और आष्टा से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल सिंह चुनाव जीत चुके हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में काउंटिंग लगातार जारी है और आपको बता दें कि गोपाल सिंह 8153 मतों से जीते हैं और काउंटिंग का दौर लगातार जारी है, मतगणना जारी है। भितरवार से बीजेपी प्रत्याशी मोहन राठौर चुनाव जीत चुके हैं और अब रुझान के बाद नतीजे सामने आने लगे हैं। मोहन राठौर 22695 मतों से जीते हैं और इंदौर 3 से बीजेपी प्रत्याशी गोलू शुक्ला चुनाव जीत चुके हैं। ये नतीजे सामने आ रहे हैं लगातार। गोलू शुक्ला 14667 मतों से जीते हैं चुनाव और हरसूद से बीजेपी प्रत्याशी विजय शाह वनमंत्री जीत चुके हैं चुनाव। खंडवा जिले की विधानसभा सीट है और इंदौर 4 से बीजेपी की मालिनी सिंह गौड़ भी चुनाव जीत चुकी हैं और वो लगभग 70,000 से अधिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। ये बड़ा मार्जिन है और बीजेपी के गोलू शुक्ला 14512 मतों से चुनाव जीते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें दतिया से, जहां पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 6179 वोटों से हार चुके हैं। बैतूल से बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल चुनाव जीत चुके हैं और आष्टा से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल सिंह चुनाव जीत चुके हैं और काउंटिंग मतगणना लगातार जारी है। गोपाल सिंह करीब 8153 मतों से जीते हैं और भितरवार से बीजेपी प्रत्याशी मोहन राठौर चुनाव जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश में काउंटिंग का दौर जारी है और अब रुझान के बाद नतीजे सामने आने लगे हैं। मोहन राठौर 22695 मतों से जीते हैं। इंदौर 3 से बीजेपी प्रत्याशी गोलू शुक्ला भी चुनाव जीत चुके हैं।